राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज हम एक बहुत खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि एक तरीके से सीजनेबल प्लांट है, और इस प्लांट का नाम है कोचिया प्लांट। और ये देखिए, इसकी केवल लीव्स ही इतनी सुंदर होती है कि एकदम घना और बुशी बनने के बाद में इतना प्यारा लगता है ये प्लांट, और आपके गार्डन में एक बहुत ज़्यादा जो ग्रीन लुक होता है वो ये देता है। कोचिया के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो ग्रोइंग टाइम होता है स्प्रिंग से लेके अप्रैल तक ये ग्रो हो जाते हैं, और ये अपनी ग्रोथ, इनकी जो समर सीजन होती है फुल ग्रोथ का टाइम होता है जहाँ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और ये विंटर में जाते जाते धीरे धीरे ये जैसे प्लांट है पूरा सूख जाएगा। इसमें फ्लावर्स बनते हैं, एक्चुअल में पहले फ्लावर्स बनते हैं छोटे छोटे, और वो फ्लावर्स जो होते हैं वो शीट्स में बदल जाते हैं, और ये धीरे धीरे पूरा प्लांट सूख जाएगा। इसके जो सीड्स होते हैं आप उनको कलेक्ट करके रख लीजिए, उनसे आप जब स्प्रिंग सीजन आता है उसमें आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे मेरे ये जो बने हुए हैं आप देखिए, ये मैंने बनाए हैं, ये मैंने ऐसे लगा रखे हैं। ये सारे जो प्लांट्स हैं वो मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा लेट थी ग्रो करने में, तो अभी ये देखिए ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए हैं, थोड़े छोटे ही हैं मेरे प्लांट्स, लेकिन ये आपके गार्डन को बहुत ही एक सुंदर और ग्रीन लुक देते हैं, और आपको इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अब अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए हमें, जैसा कि हम हर प्लांट के लिए बनाते हैं, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा जो रिवर सैंड आती है वो, एक हिस्सा जो नॉर्मल गार्डन सॉइल का। और उसके अंदर ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से निकल के आती है। पानी रिक्वायरमेंट की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको, प्लांट को पानी चाहिए होता है, यानी अगर आप सुबह इसको पानी देते हैं और शाम तक अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो आपको उसको दोबारा से पानी देना है। पानी की कमी होने की वजह से ये इस तरीके से लटक जाता है बुरी तरीके से, और इसको गर्मी काफ़ी इफेक्ट करती है, मतलब इसके जो भी पोट है उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। तो आप इसको चेक कीजिए कि अगर आपने सुबह पानी दिया है और धूप बहुत तेज है और गर्मी है, उसकी वजह से अगर हमारा प्लांट का जो पोट है वो सूख गया है, तो आप इसमें दोबारा से शाम को पानी दे दीजिए। अगर फर्टिलाइजर की मैं बात करूँ इसके लिए, तो इसे कुछ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जैसे काउडंग कंपोस्ट, उसका जो, चूंकि गर्मी का मौसम है तो हम जो सीधे सॉलिड फॉर्म के बजाय हम उसको, उसका जो लिक्विड बना के इसको दें, या आपके पास में अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका लिक्विड बना के दीजिए, उससे इसकी ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा इसको किसी भी स्पेशल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं इस पर किसी एफिड्स का या किसी माइट्स का अटैक की बात करूँ तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, बल्कि कोचिया पे इस तरीके की कोई भी डिजीज़ नहीं होती है। मेरे पास पिछले 3 सालों से ये प्लांट है, और हर बार ये जब विंटर में सूख जाता है मैं इसके सीड्स कलेक्ट करके इसको वापस से ग्रो करती हूँ, और लेकिन मैंने अभी तक इसमें कोई इसी तरीके का अटैक नहीं देखा। अगर सनलाइट रिक्वायरमेंट की इसकी बात करें तो इसे मॉर्निंग की जो 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए होती है, और उसके बाद में इसको ऐसी जगह जहां इसको दिन भर ब्राइट लाइट मिलती रहे, या इसको जो गर्मी की डायरेक्ट वाली जो बहुत तेज़ धूप है वो ना मिलके छनती हुई अगर धूप मिलती रहे तब भी ये प्लांट बहुत हैप्पी रहता है, बहुत हेल्दी रहता है, और बहुत ही अच्छे से और बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करता है। तो गाइस, बहुत ही प्यारा प्लांट है, इजी टू ग्रो है, कोई इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर आप अपने गार्डन को बहुत ग्रीन ग्रीन लुक, जैसे फ्लावर्स के बीच बीच में आपने इनको रख दिया है या एक लाइन में आपने इनको लगाया है, तो ये एक जो हेज टाइप का लुक है वो भी देंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे, तो आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर शामिल कीजिए और लाइए और लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।